राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आईआईटी रुड़की में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये संस्थान 175 वर्षों से देश की सेवा कर रहा है। संस्थान के कई एल्यूमिनाई जो भारत और विदेशों में सफल तकनीकी और सामाजिक उद्यमों के संस्थापक हैं, ये सभी पूर्व छात्र आईआईटी रुड़की की उत्कृष्टता की विरासत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आईआईटी रुड़की के इस कार्यक्रम के दौरान ही राज्यपाल ने संस्थान द्वारा बधिर दिव्यांगों के लिए संचालित अनुश्रुति अकादमी का भ्रमण किया। उन्होंने बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट आदि को भी देखा और उनकी सराहना की। इसी के साथ राज्यपाल ने संस्थान की टिंकरिंग लैब, संस्थान के पुस्तकालय का भी भ्रमण किया और उन्होंने छात्रों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि प्रौद्योगिकी विकास के लिए योगदान देने वाले भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का ये महान अवसर है। सचमुच में भारत को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संपन्न बनाने में हमारे वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में तकनीकी के बल पर हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बन सकते हैं। तकनीकी के बल पर आने वाले 25 सालों के अमृतकाल में हम एक नई ऊंचाइयों को अवश्य छुएंगे। और आज जो मैंने देखा कि किस प्रकार से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में एक बहुत खास प्रायोरिटी है, और ये भी देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर जितने स्टूडेंट हैं उनके वेलनेस के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में, और उनको किस प्रकार से ऐसे वातावरण दिया जाए ताकि उनकी जो रिसर्च है, उनकी जो टेक्नोलॉजी का बेस है, वो पूरे देश को एक मदद करेगा। देखिए, अभी जो वक्त है, जो समय है, ये पूरे भारत के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का, मॉडर्नाइजेशन का, विकास का और प्रगति का है। इसके अंदर में टेक्नोलॉजी एक मुख्य भूमिका निभाने वाला है, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे आईआईटीज की जो स्टैंडर्ड हैं, जिस प्रकार से वो रिसर्च कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो समाधान अपने आप में एक बहुत ही बड़ा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।